इस मैनिफेस्टो में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है और वो भी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अमित शाह ने किया है। और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पार्टी ने जो भी कुछ कहा है उसमें डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही हम अगर देखें तो पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में बहुत हमने चर्चा सुना पिछले 5 साल से और उससे पहले भी, उसका जिक्र सिर्फ 2 बार हुआ है पूरे मैनिफेस्टो में। भ्रष्टाचार का जिक्र 13 बार हुआ है लेकिन उस भ्रष्टाचार का जो जिक्र हुआ है उसमें डिमोनेटाइजेशन शामिल नहीं है। 7 बार GST जो सरकार अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में बताती रही है उसका जिक्र इसमें सिर्फ 7 बार हुआ है। तो अब देखते ये हैं कि इस मैनिफेस्टो की सच्चाई क्या है और इस मैनिफेस्टो में जो कहा गया है, संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए गए हैं वो कितने खरे उतरते हैं इस सरकार के आचरण पर और इस सरकार के पिछले 5 साल के जो इनका कार्यकाल रहा है उसके ऊपर। तो मैंने आपको दिखाया 45 पेज का ये मैनिफेस्टो है, ये संकल्प पत्र है, हम इसे देख सकते हैं। इसमें न्यू इंडिया ऑफ 130 करोड़ ड्रीम्स ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उसके बाद में प्रेसिडेंट्स नोट आता है अमित शाह जी का, उसके बाद में संकल्प पत्र नोट आता है राजनाथ सिंह जी का जो कि देश के गृह मंत्री हैं, और उसके बाद में मैनिफेस्टो जो है शुरू हो जाता है। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले कहा गया है नेशन फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र जो है वो प्रथम है, और जो कि भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के अनुशांसिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नारा है नेशन फर्स्ट। पहली बात इसमें जो कही गई है वो ये कही गई है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ फंडामेंटली ऑल्टर्ड द नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम ऑफ इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स, लुकिंग अहेड वी प्रपोज टू डू द फॉलोइंग, जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म। अब इसके ऊपर देखते हैं कि कितना खरे उतरते हैं प्रधानमंत्री। शुरुआत से इस सदी की ये देखा है कि इसमें क्या क्या इसमें हो रहा है 2001 से लेकर के, आप देख सकते हैं 2000 से लेकर अब तक, और ये संख्या है उन लोगों की जो कि जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि 2000 में काफ़ी ज़्यादा संख्या हुआ करती थी, 3000 से ऊपर लोग मारे जाया करते थे, और धीरे धीरे ये संख्या घटती गई। और इसकी शुरुआत होती है 2002 से, जब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीज फायर का कहा वहाँ पर, और उसके बाद में ये संख्या घटती गई, और घटते घटते ये संख्या सबसे कम आप देख सकते हैं इसमें पहुँची है 2012 में, और 2013 के बाद से ये दोबारा उठना शुरू हुई है। और अब हालात ये हैं कि 2018 में जम्मू और कश्मीर में बने मरने वालों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है पिछले 5 साल से। तो ये जो जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की जो बात कही गई है ये बिल्कुल बेमानी साबित होती है अगर आप आंकड़ों को देखें, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फैक्ट चेक है और ये तथ्य क्या बोल रहे हैं इस मैनिफेस्टो के बारे में, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 370 के बारे में कहा गया है, ये उसी का एक भाग है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 5 साल में सारे प्रयास किए गए हैं कि वहाँ पर शांति हो जम्मू कश्मीर में, और एक्शन लिया गया है, फर्म पॉलिसी है, सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं कि वहाँ पर अमन जो है जम्मू कश्मीर में वो कायम हो। और साथ ही ये कहा गया है कि 35A और 370 जो दो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको पुनर्विचार किया जाएगा, उनको एब्रोगेट किया जाएगा, शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है, 370 और 35A अनल किया जाएगा और 370 एब्रोगेट किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति के प्रयास हो रहे हैं और सरकार पूरे नियंत्रण में है और सरकार ने वहां पर अमन की कोशिश की है, तो उसका असर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो उद्योग है उसके ऊपर पड़ना लाजमी है, और वो उद्योग है पर्यटन, टूरिज़्म। आंकड़े गवाह हैं, ये आंकड़े जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार ने जारी किए हैं जिसमें कि कई साल तक भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी PDP के साथ में, और आप देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर वैली में, अगर आप जम्मू का निकाल दें तो वैली जो वादी है जम्मू और कश्मीर की, उसमें जो संख्या है पर्यटकों की वो गिरी है। इसका मतलब वहाँ पर अमन चैन नहीं है और लोग वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं या जाने से कतराते हैं या घबराते हैं, क्योंकि
जम्मू कश्मीर में अमन नहीं है, तो ये सारी बातें कि जीरो टॉलरेंस होगा और हम आतंकवाद पर काबू पा लेंगे, 5 साल सरकार को दिए गए थे आतंकवाद पर काबू पाने के लिए, और आंकड़े हमें बताते हैं कि ना तो लोगों के मरने की संख्या कम हुई, वो लगातार बढ़ रही है, और साथ ही वहाँ पर अमन नहीं है और लोग जो पर्यटन का जो उद्योग है वो वहाँ पर आगे नहीं चल रहा है। आपके अगर सवाल हो तो मैं बताइए, आपका कोई भी सवाल हो ये 45 पृष्ठों के इस संकल्प पत्र के ऊपर, तो हम उसमें आपके सवालों के जवाब भी देंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है लगातार इन्हीं चीज़ों पर काम करती रही है पिछले 2 साल से, और ये सारे आंकड़े मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उनसे निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया मामला नेशन फर्स्ट का। अब दूसरी बड़ी चीज़ जो कही गई है वो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में, वो ये कही गई है डबलिंग फार्मर्स इनकम, यानी कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, ये पहला, ये बड़ा लिखा हुआ है डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये लिखा हुआ है। एट द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर करंट टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्बार्क्ड ऑन ए मिशन टू डबल फार्मर्स इनकम, वी विल मेक ऑल एफर्ट्स टू अचीव दिस गोल बाय 2022। जी हाँ, 3 साल में ये पूरा कर लेंगे इसको, इनका कहना है। आंकड़े उठा के देख लीजिए, और ये आंकड़े जो हैं ये UPA के 10 साल के का उनका जो काम है, और NDA का ये 5 साल का जो काम है, ये उनकी तस्वीर जो है बयां करते हैं। और इसमें पहली चीज़ अगर आप ऊपर देखें तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि डेली रेट जो है, एवरेज डेली रेट रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को पैसे मिलते हैं काम करने के, वो 10 साल में 187% बढ़े थे और अब सिर्फ 62% बढ़े हैं। यानी कि 3 साल में इसको 100% भरना है, जो कि भरने से रही अगर आप ये रिकॉर्ड सरकार का अगर इसमें देखें तो। इसमें बाकी चीज़ें भी हैं जिस पर हम लगातार आते रहेंगे और बात करते रहेंगे और बताएंगे कि कहाँ पर सरकार ने अच्छा काम किया और कहाँ पर सरकार जो है वो सुस्त चाल से चल रही है। आगे हम बढ़े अगर इस मैनिफेस्टो में, तो हम पाएंगे, जी हाँ, इंडिया एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये कहा गया है इसमें कि हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं और $5 trillion जो है उसको हम कर लेंगे और $10 trillion हम 2032 तक इस मुल्क को पहुंचा देंगे। अब इसकी क्या सच्चाई है, इसकी सच्चाई जो है वो हम देख सकते हैं कि GDP की हमारी जो ग्रोथ है वो 7% के हिसाब से बढ़ रही है, और 7% के हिसाब से अगर GDP बढ़ती है तो 12 साल में आपकी GDP जो है वो दुगनी होगी, यानी 4.5 trillion के आसपास पहुँचेगी, और उसके बाद में अगर देखें 24 साल बाद में वो उससे दुगनी होगी। तो ये 5 trillion की जो खबर और 5 trillion का जो दावा इसमें किया गया है, ये ख्याली पुलाव है। मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ कि ये ख्याली पुलाव और लोगों को भरमाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से इस समय अर्थव्यवस्था चल रही है, चाहे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से चल रही हो, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ा धीमी पड़ गई है, इसलिए हिंदुस्तान जो है वो अग्रणी बन गया है, इसमें दो राय नहीं है, हिंदुस्तान अग्रणी बन गया है। 7.1% पिछले 5 साल में जो औसत ग्रोथ है हमारी GDP की वो रही है, लेकिन 12 साल लगेंगे इस GDP को दुगना करने में। सीधा गणित का ये वो है जो कोई 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो निकाल सकते हैं इसको, और हमारे बड़े बड़े जानकार हैं वो उसको पढ़ के ये कह रहे हैं कि हम दुगना कर देंगे इकोनॉमी को। तो ये आप देख सकते हैं, और इसका एक बड़ा असर इसी पेज पर नीचे कहा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें ये कहा गया है कि इसकी वजह से हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। अब आप ये लाभ उठा के देख लीजिए, और ये 2018 और 2019 के आंकड़े हैं कि जो सरकार की जो रिसीट्स हैं, यानी कि जो आय सरकार की हैं, उनमें भारी कमी आई है। कैपिटल रिसीट्स जिसे हम कहते हैं, जो कि बड़े जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनके उनसे आती हैं, वो 37% की दर से बढ़ रही थी और वो 10% पर आ गई है, और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देश का जो है उसकी जो ग्रोथ है वो 16% से घटकर 7% पर आ गई है, और ये सिर्फ पिछले 2 साल की कहानी है। और इसलिए ये जो कहा जा रहा है इसमें कि हम ग्रोथ जो है उसको बढ़ाएंगे, ग्रोथ आपकी बढ़ने से रही, अगर जो हालात जिस तरह से सरकार चली है पिछले 5 साल में, वैसे ही सरकार अगले 5 साल चली तो। और इसलिए ये जो दस्तावेज है संकल्प पत्र, ये बिल्कुल एक ख्याली पुलाव है। आगे बढ़ते हैं,
इस दस्तावेज के अंत में सरकार ने 75 चीजें बोली हैं कि जब देश 75 साल का होगा 2022 में, तब हम 75 चीजें उसके लिए हम संकल्प ले रहे हैं। अब इनके ऊपर हम एक एक करके उठाते हैं। और पहला इसमें है एग्रीकल्चर यानी कृषि, कि कृषि जो है उसको उन्हें डबल करना है। अचीविंग द टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम एक बार फिर इसमें आ गया है बाय 2022। अब आप देख सकते हैं कि जो किसानों की जो आय है या एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसके क्या हालात हैं। 2.9% अगर आप पूरे 5 साल को उठाएं तो उसका उसकी जो वृद्धि है 2.9% की है। अगर आपको इस ग्रोथ को डबल करना है, फार्मर की इनकम को डबल करना है, दुगना करना है, तो आपको 12% की वृद्धि चाहिए और 7 साल बाद आपकी जो आय है एग्रीकल्चर से वो दुगनी होगी। यानी इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आंकड़े आपके सामने हैं। अगर आपको ग्रोथ डबल करनी है तो आपको 12% की ग्रोथ चाहिए, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो 3% की भी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इस डॉक्यूमेंट में कही गई है, जो कि बिल्कुल सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे दूर है। इसमें ये भी कहा गया है कि मैक्सिमम फार्मर इनकम देंगे, 6,000 रुपये साल के देंगे, ये सब देंगे ये इन्होंने, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं ये सही नहीं है। आगे हम चलते हैं और दोबारा अपने उस ग्राफ पर लौटते हैं जिसमें कई चीज़ें हमने दिखाई थी आपको पहले। तो इसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि पॉवर्टी जो है वो सिर्फ एक जगह आई है। अगर हम देखें तो पॉवर्टी जो है वो 2004 में 40% लोग थे वो गरीबी की रेखा से नीचे थे, और 2014 में 26.9% के आसपास जो लोग थे वो गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। यानी कि जो गिरावट थी वो 33% की थी, और उसके बाद में 2018 के अंत में अगर हम देखते हैं तो वो 27% पे है। यानी कि देश में गरीबी की रेखा से नीचे जाने वाले लोगों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है 5 साल में। जितने गरीब 2014 में थे उतने ही गरीब 2019 में हैं, ये साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो बात कही गई है यहाँ पर कि मिनिमम इनकम हम फार्मर्स को देंगे, वो आप कहाँ से कैसे देंगे, क्योंकि गरीब जो है वो ज़्यादातर गाँवों में है और उसकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फूड प्रोडक्शन खाद्यान्न उत्पादन, ये तीसरा आप नंबर देखिए इसके ऊपर। इसमें साफ साफ रखा गया है कि 2004 और 2014 के बीच में खाद्यान्न उत्पादन था वो 23% ऊपर गया, और अब 2014 से अब तक जो खाद्यान्न उत्पादन है वो सिर्फ 6% ऊपर गया, यानी कि उसमें कमी आ गई है। खाद्यान्न के उत्पादन का जो विकास है उसमें कमी आ गई है, ये आपको इससे साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। और जीडीपी की अगर आप बात करें तो करंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी जो है वो 2004 से 225%, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा बढ़ी, लेकिन अब 2014 से लेकर अब तक वो सिर्फ 32% बढ़ी है, यानी एक तिहाई बढ़ी है, यानी 5 साल में। यानी कि 10 साल में 225% और 5 साल में सिर्फ 32%। तो ये सारी जो बातें इसमें कही गई हैं कि हम दुगना कर देंगे फार्म इनकम को, हम देश को, देश की जो इकोनॉमी है उसको दुगना कर देंगे, $5 trillion पे ला देंगे, जो कि अभी $2.5 trillion के आसपास है। ये मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूँ बकवास है, और ये इसमें लिखा गया है। और उस समय जिसमें लिखा गया था हमारे वित्त मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे डायस पे, और उनकी ही मेरे ख्याल में इनपुट उनका ही होगा जिस पर यह लिखा गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इससे जो सच्चाई है उससे ये बहुत दूर है। अब बात आती है, एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है यूथ एंड एजुकेशन के ऊपर। यूथ एंड एजुकेशन में कहा गया है एम टू कवर ऑल द सेकेंडरी स्कूल्स अंडर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, इनेबल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 crore इन हायर एजुकेशन, बढ़ाएंगे उसको करेंगे। अब इसमें आप अगर देखें तो देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जो बजट है, ये जो खर्चे हैं वो सिर्फ 6% बढ़े हैं पिछले 5 साल के अंदर, सिर्फ 6%। उससे पहले 10 साल में ये कोई 500% से ज़्यादा बढ़े थे, और उसी की वजह से
जो हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी संख्या जो है वो दुगने से भी ज़्यादा हो गई, हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और राइट टू एजुकेशन था वो भी काफ़ी आगे चला गया। और मैं ये इसलिए इन दोनों जो सरकारें हैं इनकी तुलना कर रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम पड़े कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, क्योंकि लोग जो हैं उनके पास में इतना वक्त नहीं है कि वो जा कर के सारे जो आंकड़े हैं, ये मौसपी है, ये हमारा स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रिजर्व बैंक के कागजात हैं, इन सब से निकाला था। आप लोगों के पास में इतना समय नहीं होगा, तो हमने ये कोशिश की है और मेहनत की है कि ये आपको हम सच्चाई जो है वो बताते हैं। आगे चलिए, नंबर ऑफ सीट्स, इसमें ये भी कहा गया है यूथ एंड एजुकेशन के लिए कि एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ, मैं पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे थे कि हम दुगनी कर देंगे उसको, लोगों की जो आय है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें भी गिरावट आई है। प्रति व्यक्ति आय में जो ग्रोथ हुआ करती थी हमारे मुल्क में वो 5.8% थी 2015 में, 6.2% हो गई 2016 में, और उसके बाद में वो घट के 5.4% हो गई है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी है वो अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, और यदि 5.4% के हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको कोई 15 साल लगेंगे अपनी आय दुगनी करने में। सीधा सा गणित का आप इसमें सवाल है, कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम आप ये देख सकते हैं कि इसके क्या हाल है। तो ये जो है आगे हम बढ़ सकते हैं, और इसमें जो एजुकेशन के बारे में कहा गया है ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम वर्क टुवार्ड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो MBA के होते हैं, और वर्क टुवार्ड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि BTech और MTech छात्र छात्राएँ करते हैं। ये नंबर्स हैं आपके सामने हैं, AICTE जो कि सरकारी संस्था है उसने जारी किए हैं, और उसमें ये साफ आपको दिखाई दे सकता है कि किस तरह से जो सीट हैं हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में या हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। 31 लाख से इंजीनियरिंग की जो हमारी 31 लाख सीट हुआ करती थी 2014-2015 में वो घट के 27 लाख हो गई हैं। सैकड़ों इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं इस दौरान 5 साल में। और वैसे ही अगर आप देखें तो MBA के जो हमारे इसमें लिखा हुआ है कि हम इसकी सीटों को बढ़ाएंगे, तो तथ्य ये कहते हैं कि बढ़ने की बजाय सीटें लगातार पिछले 5 साल में कम हुई हैं। 4.5 लाख से घट के वो 3,73,000 पर पहुँच गई हैं MBA की सीट्स। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें जो गलती क्या कह सकते हैं, जो गलत आंकड़े दिए हुए हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं कि आपसे जो कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो गलत कहा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कहा गया है इसमें कि इंश्योर पक्का हाउसेस टू एवरी फैमिली जो हम लगातार सुन रहे हैं 5 साल से अभी तक नहीं हुआ। इंश्योर द LPG गैस सिलेंडर कनेक्शन टू ऑल पुअर रूरल हाउस होल्ड्स, उज्ज्वला स्कीम जो शुरू हुई थी उसके बारे में कहा गया था कि वो सब जगह पहुंच चुकी है, वो नहीं पहुंची है। अगर ये पहुंच गई होती तो आपको अगले 5 साल में इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि हमको ये पहुंचाना है। इंश्योर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स, ये एक बड़ी बात इसमें कही गई है। हम आगे चल सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर हम पुराने अपने ग्राफिक्स के ऊपर जाएं तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी जो है पावर कैपेसिटी वो पिछले 5 साल में सिर्फ 49% बढ़ी है, उससे पहले के 10 साल में वो 108% बढ़ी थी। तो जब आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो आप किस तरह से 100% मकानों को बिजली दे सकते हैं? तो ना नौमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए। जी हाँ, तो ये जो है आंकड़े आपको बता रहे हैं कि ये सारी जो इसमें बातें कही गई हैं और ये वादे किए गए हैं इन वादों का तथ्यों से कोई तारतम्य नहीं है। इसके बाद में बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंश्योर एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू ए बैंक अकाउंट। जी हाँ, और आगे इसमें ये भी कहा गया है कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर हर एक व्यक्ति को एक बैंक अकाउंट मिल जाएगा। वो भी हम देख सकते हैं इसमें कि इसके क्या हालात हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देश में जो सरकारी बैंक हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। 2014 में 7,842 नई ब्रांचेज खुली थी सरकारी बैंक्स की, जो सिर्फ 2018 में 824 खुली हैं। तो ये जो चीज़ें इसमें कही गई हैं कि बैंकिंग जो है वो सबके पास पहुंच जाएगी
और 5 किलोमीटर के दायरे में आपको बैंकिंग मिल जाएगी, ये सरासर गलत है, आंकड़ों के खिलाफ जाता है। ये भी देख लिया जी हमने। आगे चलते हैं इकोनॉमी। जी हाँ हाँ, एक बात बड़ी ये कही गई है कि इकोनॉमी का जो मामला है इसमें ये कही गई कि वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग जीडीपी शेयर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो विनिर्माण क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज में आती है, उद्योग जिसमें आते हैं वो, उनके क्या हाल है। आप इसमें देख सकते हैं कि जॉब मेकिंग सेक्टर्स हमारे मुल्क के जो हैं, और ये हम खबरें हैं पहले भी कर चुके हैं, आप गो न्यूज़ में जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, ये हम नई ये मैनिफेस्टो आने के बाद में हमने ये आंकड़े नहीं निकाले हैं, ये आंकड़े हम पहले ही शाया कर चुके हैं और आप लोग देख चुके हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नीचे जा रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर है वो 32 से लेकर के 29 तक पहुंच गया है, यानी कि उसमें कमी आ रही है। और आप कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ाएंगे, किस बिना पे कह रहे हैं किसी को ये नहीं मालूम, किसी को बताया भी नहीं गया है कि किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें तो कंस्ट्रक्शन भी आता है, वो भी नीचे जा रहा है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, सिर्फ सर्विसेज जो हैं वो ऊपर जा रही है। और सर्विस सेक्टर में जैसा कि आपको मालूम है ज़्यादा नौकरियाँ जो हैं वो लोगों को नहीं मिलती। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, इसी में आगे कहा गया है कि वर्क टुवर्ड्स डबलिंग द टोटल एक्सपोर्ट्स, और इससे बड़ी हास्यास्पद चीज कोई नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नकारात्मक रहे हैं, यानी कि 0 से नीचे रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, अगर पूरी आंकड़े आपको दिखाई देते हैं कि CAGR जो होता है वो -0.73% रहा है, यानी कि कोई उनमें वृद्धि नहीं हुई है, नकारात्मक हो रहे हैं, और 2 साल में वास्तव में वो नीचे गए हैं, 2016 में और 2017 में आप देख सकते हैं कि वो नीचे गए हैं 2015 के मुताबिक। तो ये जो बात इसमें कही गई कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देंगे, तो हवा से तो एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट्स तो तब बढ़ेंगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग का हमने आपको बता दिया कि आपका IIP जो है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो कम हो रहा है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट्स, कैसे बढ़ाएंगे आप। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में, और बड़े ताज्जुब की बात है कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। गरीब मुल्क है, हमको चीज़ें बना करके बाहर भेजनी चाहिए, निर्यात करनी चाहिए, लेकिन हम वहाँ से आयात कर रहे हैं। तो ये एक और जो उलटबाजी है इस मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में माफ़ कीजिएगा, वो आपको हम दिखा सकते हैं। सवाल लोगों के जो हैं वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज नेट ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ये लाइव हमारा जो चल रहा है, अगर इस पर अगर हम जाते हैं तो इस समय नेट की वजह से लाइव में जो भी आ रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वरना इसमें हमें सवाल आपके भी मिल जाते थोड़े से, और उस पर भी हम बात कर सकते थे, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं इस समय और बता सकते हैं। माफ़ कीजिए, अपना मैनिफेस्टो कर दिया है। इस समय मैं देख सकता हूँ कि अंजलि ओझा हमारी संवाददाता जो हैं वो मौके पर हैं, और वो वहाँ से रिपोर्ट जो है वो भेज रही हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि गुड गवर्नेंस में कहा गया है कि 5 किलोमीटर के दायरे में सबको बैंक मिलेंगे, हमने आपको बता दिया कैसे बैंक कम हुए हैं। अब आगे अगर जाते हैं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का इसमें पूरा का पूरा एक वो है, जिसमें फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन बताया गया है, जिसमें कि हमने आपको पहले ही बताया कि सरकार ने जो खर्चा है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर वो कम कर दिया है। आप ये देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से ये कम हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन जो है उसमें कमी आई है, और वो सिर्फ 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर आप लोगों को इम्यूनाइज करेंगे बच्चों को, तो आप कहाँ से पैसा लेके आएंगे, ये समझ में नहीं आता। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एक चीज़ है, एक्सपेंड द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम टू कवर ऑल स्मॉल शॉपकीपर्स एंड स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात की गई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि देश में जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, जो कि 100 करोड़ से कम के होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो लगातार कम होती जा रही है। थोड़ा सा बढ़ी थी वो बीच में 2018 के आसपास, लेकिन उसके बाद में स्मॉल कैप कम हो गया है। बड़ी कंपनियां जो सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनियां जो आती हैं वो अपने उरूज पर हैं और वो ऊपर चल रही हैं।
तो अगर आप छोटे व्यापारी की बात कर रहे हैं तो आपका जो इस समय वृद्धि है वो काफी कम है। एक मिनट, हमको आपके सवाल जो हैं वो इस समय नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आपके सवाल आएं, लेकिन हेडलाइंस इसमें बार बार आ जाती हैं। तो ये हो गया, अब आगे हम चल सकते हैं। तो लगभग यही है, कल्चरल हेरिटेज की बात है जिसमें कि गंगा को क्लीन बनाने की बात एक बार फिर कही गई है 2022 तक, और साथ में प्रसाद योजना एक है, स्वदेश दर्शन योजना है, हृदय योजना, ये तीन योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन हम आपको दिखा चुके हैं कि टूरिज्म का जो हाल है वो मुल्क में क्या है। नवेद अख्तर साहब कह रहे हैं ब्रेव नरेशन, तो नवेद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमको देखा और आप इसको ब्रेव मानते हैं, ब्रेव नहीं है ये, सच्चाई है बिल्कुल नरेशन, और इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हैं। विमेन के बारे में कहा गया है, महिलाओं के बारे में, कि वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग फीमेल वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट जो है बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आपको तमाम ये खबरें दिखा चुके हैं पहले भी कि वो बढ़ नहीं रहा है और उसमें बल्कि लगातार कमी आ रही है। जैसा मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा आज नेट की वजह से हम आपके सवाल जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जगह आपने जो सवाल किए हैं वो मैं देख लेता हूं कि अगर वहां पर कहीं पर सवाल होंगे तो अच्छे दिन। अब हाँ, एक बात और बड़ी बात इसमें है कि अब प्रधानमंत्री ने कहना शुरू कर दिया है कि अच्छे दिन जो हैं वो अब 2047 में आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2047 तक हमको अपना होराइज़न बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि 100 साल बाद मुल्क में जो है वो क्या होगा। जैसे कि वो लगातार वो 14 में कह रहे थे कि 2019 में होगा, फिर उन्होंने कहा 2022 में होगा, और अब 2022 से उसको बढ़ा करके वो 2047 तक ले जा रहे हैं कि तब तक जो है वो देश जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा और डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग ये बात भूल जाते हैं कि पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि 2040 तक हिंदुस्तान जो है वो एक डेवलप्ड नहीं लेकिन मिडिल डेवलप्ड कंट्री जो है वो बन सकता है, अगर हम लगातार हाई जीडीपी ग्रोथ जो है उसको। अब इसमें तमाम चीज़ें हैं, कोई हैं एसके पचौरी साहब हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि जब मीडिया ईमानदारी ना दिखाए तो अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। सर आपसे तो बहुत प्रार्थना की थी कि ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने को, आपने भी अनसुना कर दिया। जी हम ग्राउंड रिपोर्ट को अनसुना नहीं कर रहे हैं। हमारे साथी इस समय दो साथी बाहर हैं, दारेन शाहिदी गया में है, देखिए उनकी रिपोर्ट्स, वो बिहार से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, और हमारे दूसरे साथी इसरार अहमद जो हैं वो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, और गन्ने का दाम क्या है और वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं ये सब हम दिखा रहे हैं। आप news247.com पर जाकर उनकी सारी रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। बनारसी दास जी कह रही हैं कि, बंसरी दास जी कह रही हैं कि नेहरू डिंट लेट देम डू इट, कि नेहरू ने नहीं कहा। जी हाँ, ये एक बड़ी बात हो गई है कि नेहरू ने जो है वो काम नहीं करने दिया इस सरकार को, और इस बारे में मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, मैं कुछ देर में आपको दिखाऊंगा कल या परसों में, आनंद भवन से, कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो नेहरू जी के बारे में और इंदिरा गांधी के बारे में और गांधी परिवार के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। राजकुमार यादव हंस के लोटपोट हो रहे हैं। सुरेश बल्दानिया साहब हैं, सर आपकी एज तब कितनी होगी, मैं तो बुढ़ा हो जाऊँगा इनके चक्कर में। जी जी, मेरी एज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस समय, आपकी भी हो जाएगी और हम सब बुढ़े हो जाएंगे। अगर तुम्हारे मालिक आए तो कभी नहीं आएंगे, गौरव कालरा साहब कह रहे हैं। मेरे मालिक आप हैं गौरव कालरा साहब, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं और मैं एक पत्रकार होने के नाते दर्शकों को अपना मालिक मानता हूं, और इसलिए आप जो अच्छा चाहते हैं वो हैं। दूसरे राजीव शर्मा जी हैं, वो मुझे लंगूर कह रहे हैं। लंगूर उसे अच्छे दिन नहीं कहते हैं, उसे सर्वोत्तम दिन कहते हैं। अच्छे दिन तो चल रहे हैं, तो राजीव शर्मा जी अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो इस सारे आंकड़े हमने जो दिखाए हैं ये अच्छे दिन के आंकड़े नहीं हैं। अपनी जबान ठीक कीजिए और थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। विशाल गुप्ता जी कह रहे हैं कम से कम बीजेपी वाले इंडिया को डेवलप्ड नेशंस बनाने की बात तो कर रहे हैं, कांग्रेस तो वहाँ का सोच भी नहीं पा रही थी। मैंने आपको अभी दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस के समय में
सिर्फ बैंक अकाउंट्स को छोड़ करके सारे के सारे आंकड़े, एक बार फिर हम उसको दिखा सकते हैं आपके, सारे के सारे आंकड़े बेहतर थे। ये देख लीजिए आप कि ये 8 पैरामीटर्स हैं, जिसमें फॉरेन ट्रेड शामिल है, जिसमें कि लोगों की रूरल जो तनख्वाह जो उनको मिलती है दिन एक दिन की, वो शामिल है, सब चीज़ें शामिल हैं। और इन सभी में सिर्फ इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स को छोड़कर जिसमें कि ग्रोथ 75% थी, वो बढ़ के 102% हो गई है। और वो भी इसलिए कि सभी के जो कैश था वो जमा कर लिया गया और उनको बैंक अकाउंट अपने खुलवाने पड़े कैश के लिए, सिर्फ बैंक जो है वो ग्रोथ हुई है। और उसमें भी हम आपको बता दें कि इस समय जो कैशलेस, हाँ एक शब्द और इस मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है, उसका नाम है कैशलेस, जी हाँ, जिसे लेकर के आप लोगों को लाइन में खड़ा किया गया था कि हम कैशलेस सोसाइटी बना रहे हैं, उसका जिक्र तक इस मैनिफेस्टो में नहीं है कैशलेस सोसाइटी का। राजेश पेनिककर साहब, 67 साल से तो तुम लोग अच्छे दिन ला रहे थे तो दूसरों को तो लाने दो। जी हाँ, 67 साल से ला रहे थे और आप जो हैं उसका मज़ा भी ले रहे थे, आपने देखा कि आपकी जो इनकम है वो कैसे दुगनी हो गई 10 साल में, तो वो अच्छे दिन थे और आपके लिए। अगर आपको अच्छे दिन नहीं चाहिए तो मत लाइए, हम अच्छे दिन चाहते हैं और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ठीक है। 2019 मोदी भगाओ विकास लाओ, ये कोई रंजन साहब कह रहे हैं। चौकीदार संजीव वर्मा, भाई चौकीदार जिनके नाम के आगे लगा होता है मुझे उनसे बातचीत करने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि चौकीदार जो है हमारी रखवाली करते हैं और चौकीदार के ऊपर हम पूरा कार्यक्रम कर चुके हैं कि किस तरह से जो चौकीदार हैं वो, तो आप ये कहेंगे कौन पावर में आएगा, क्योंकि इसका चुनाव के नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। सर आप लोगों का बस चले तो ये कभी नहीं आए। सर हमारा बस तो चल रहा है, हम तो कह रहे हैं कि आए, हम तो कहते रहते हैं कि कैसे अच्छे दिन आएंगे, कि कैसे जब सरकार जो है वो लोगों में इन्वेस्ट करेगी, कैसे जब सरकार, हमने जो देखा हेल्थ में और एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको खर्चे को बढ़ाएगी, तभी अच्छे दिन आएंगे। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन जो हैं वो आने चाहिए। विजय माल्या साहब हैं, ये फ्रॉड है कोई, तो इसलिए इनका पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सवाल हैं ये आ रहे हैं। गुरबीर भाटिया साहब कह रहे हैं, दिस गवर्नमेंट रिमेन्स बिजी इन कल्पेबिलिटी फॉर पास्ट 5 years इन द नेम ऑफ पास्ट 60 years, नेहरू कांग्रेस, दैट्स इट। हैड यू और एनीवन एल्स एवर हियर ए सिंगल वर्ड अबाउट डिमोनेटाइजेशन फ्रॉम एनी ऑफ दीज ट्वेट्स हु आर रूलिंग? इफ नॉट देन आस्क सॉरी, यू कांट थिंक एट लीस्ट। जी हाँ बिल्कुल, हमने आपको शुरुआत के कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको ये बताया कि डिमोनेटाइजेशन का जिक्र इस पूरे मैनिफेस्टो में सिर्फ एक बार हुआ है और वो भी पार्टी अध्यक्ष ने किया है। और करप्शन से लड़ने के जितने भी तरीके इसमें बताए गए हैं 13, उनमें एक भी जगह डिमोनेटाइजेशन का नाम नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन जो है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं आपको कि मैनिफेस्टो में डिमोनेटाइजेशन की बात नहीं हुई है। RS वॉज डिफंक्ट फॉर 5 years, 90% ऑफ बिल्स पेंडिंग बिकॉज ऑफ होलीगनिज्म ऑफ कांग्रेस, मोदी हैज फेल्ड टू डिसमेंटल। जी देखिए, इस समय जो मोदी जी के पास में राज्यसभा में जो नंबर्स हैं वो UPA से ज़्यादा हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, आप आंकड़े देख सकते हैं। और उस समय भी जो राज्यसभा थी वो लगातार डिफंक्ट रहती थी और कोई भी बिल जो है वो पास बड़ी मुश्किल से होते थे, जिसमें एक बिल जो मुश्किल से पास हुआ था वो तेलंगाना के बारे में था। इन दिस 5 years विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी ओन CJI, ओन CBI एंड अदर गवर्नमेंट मशीनरी, इफ दे कांट देन दे विल नॉट, इट वॉज नेवर ऑन देयर एजेंडा, माइंड इट, पीपल विल बी चीटेड इन फ्यूचर टू। ये गुरबीर भाटिया साहब कह रहे हैं। सुरेश बल्दानिया पूछ रहे हैं, व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट फॉर द BJP इन मैनिफेस्टो, फैक्ट चेक लाइव एट 5 PM। हमारे साथी सिद्धार्थ पांडे ये कह रहे हैं। तो ये जो सवाल आपके हैं, तो यस्टरडे बॉर्न हॉर्स वन डर्बी टुडे, आप लोगों के लाइट नहीं है, ये कह रहे हैं। नेहरू डिडंट लेट देम डू इट, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो मोटी बात ये है मैनिफेस्टो के बारे में, आप ये भी मैनिफेस्टो की नहीं की, नवीन पटनायक के मैनिफेस्टो की नहीं की, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैनिफेस्टो चुनाव घोषणा पत्र या संकल्प पत्र उसी का देखा जाता है जिसने राज किया हो, जो सरकार चला रहे हो, तमाम
देश में जो है वो राजनीतिक दल हैं और सबके मैनिफेस्टो जारी हुए हैं, लेकिन देश में किसकी सरकार थी उससे सवाल करना और उसके आंकड़ों की जांच परख करना, ये एक पत्रकार का धर्म है और हम वो धर्म निभा रहे हैं और हम वो धर्म आगे भी निभाते रहेंगे। आप हमारे गो न्यूज़ के ऐप पर, हमारे ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह जा करके देख सकते हैं कि इस चुनाव में हम अभी तक 12 राज्य जो हैं वो कवर कर चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ला चुके हैं और आने वाले दिनों में और ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपके लिए लाएंगे और आपको मन बनाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, आंकड़े देने के लिए, तथ्य देने के लिए हम हमेशा हाजिर हैं और हमेशा हाजिर रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।